नमस्कार दोस्तों आपका स्वागत है स्टार मिस्क्यू न्यूज़ में दोस्तों आप सब कैसे हैं उम्मीद है अच्छे ही होंगे दोस्तों आज मैं इस वीडियो में उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के कुछ परिणामों के संबंध में और कुछ परीक्षाओं के संबंध में आपको बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी देने वाला हूँ दोस्तों वीडियो बहुत काम का होने वाला है वीडियो पूरा देखें स्किप ना करें दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले जो मेरे चैनल पर नए व्यूअर्स हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें जिससे आपको किसी भी भर्ती के संबंध में या परिणाम के संबंध में कोई भी न्यूज़ सबसे पहले आप तक पहुंच जाए दोस्तों शुरू करता हूं। सबसे पहली जो खबर है वो है जूनियर इंजीनियर जेई दो और जेई 2018 की भर्ती की परीक्षा के संबंध में जी हाँ दोस्तों जो भी छात्र जेई 2016 और अठारह की परीक्षाओं का इंतज़ार कर रहे हैं उन सभी छात्रों को बताना चाहता हूं कि अभी उनको और लंबा इंतजार करना पड़ेगा ठीक है कम से कम तीन महीने का इंतजार अभी उनको और करना पड़ेगा सितंबर अक्टूबर से पहले उनकी परीक्षा होने की कोई उम्मीद नहीं है ठीक है कम से कम अक्टूबर तक आपको वेट करना पड़ेगा हंड्रेड परसेंट तो जेई वाले बच्चों के लिए एक बेकार खबर है उनके लिए खुशखबरी नहीं है भैया उनको चार महीने का वेट कम से कम तीन चार महीने का वेट सितंबर अक्टूबर तक करना पड़ेगा सौ प्रतिशत न्यूज है ठीक है अब बात करता हूँ अगली भर्ती के संबंध में अगली भर्ती है लोअर मुख्य परीक्षा 2019। भैया लोअर 2019 मुख्य परीक्षा के जो भी छात्र हैं जो अपनी परीक्षा का इंतजार कर रहे हैं उनको बताना चाहता हूं उनको भी अक्टूबर नवंबर तक वेट करना पड़ेगा ठीक है क्योंकि आयोग की जो पहली प्राथमिकता है वो है पीईटी परीक्षा कराना और बाकी जो आयोग की भर्तियां अटकी हुई हैं जिनकी परीक्षाएं नहीं हुई हैं उनको बाद में प्रेफरेंस दिया जाएगा आयोग के द्वारा सबसे पहले आयोग का काम है जो पीईटी परीक्षा है वो आयोजित कराना ठीक है और बाकी सारी परीक्षाएं होंगी बाद में और आपको बताना चाहता हूं पीईटी की जो परीक्षा होगी वो आपका अगस्त के लास्ट में आयोग कराने की तैयारी कर रहा है यूपी ट्रिपल अस्सी पर आज बहुत अच्छा धरना हुआ और हम ये कह सकते हैं ये धरना एक तरह से सफल धरना हुआ काफ़ी बड़ी संख्या में छात्र पहुँचे और उन छात्रों को अंदर बुलाया गया और उनको सभी भर्तियों के बारे में बताया गया जिन जिन भर्तियों के छात्र थे उनको आयोग द्वारा आयोग के जो अधिकारी हैं उनके द्वारा जानकारी दी गई ठीक है तो पैट परीक्षा अगस्त के लास्ट में होगी ये बताया गया और मैंने आपको ये बात पहले बता दी थी कि अगस्त के लास्ट तक ही आपको पैट परीक्षा देखने को मिल जाएगी ठीक है दोस्तों अब बात करता हूँ परिणामों के संबंध में आपको मैंने दस बारह दिन पहले या तीन चार दिन पहले मैंने दो वीडियो बनाई थी परिणामों के संबंध में और इन दोनों वीडियोस में आपको बताया था कि यूपी ट्रपलसी का अगला परिणाम स्टेनोग्राफर भर्ती 2016 का फाइनल रिजल्ट होगा और बिल्कुल यही बात आज आयोग के द्वारा पता चली जो भी छात्र आज धरने में गए थे उनको आयोग ने यही बताया कि अगला परिणाम स्टेनोग्राफर का होगा ठीक है ठीक है एक बार फिर मेरी खबर सौ परसेंट सही साबित हुई है और आपने देख ही लिया होगा और आपको बता दूं पांच या सात जुलाई तक स्टेनोग्राफर भर्ती 2016 का फाइनल रिजल्ट आपको देखने को मिल जाएगा ठीक है जैसा कि आपको मेरे द्वारा कई दिन पहले यह बात बोली जा चुकी है कि भैया अगला परिणाम स्टेनोग्राफर का होगा दोस्तों अब बात कर लेता हूं अगले परिणाम के संबंध में स्टेनोग्राफर भर्ती के बाद जो यूपी ट्रपलसी परिणाम जारी करेगा वो परिणाम होगा लोअर सबोर्डिनेट 2016। लोअर टू का परिणाम होगा लोअर टू 2016 का फाइनल रिजल्ट होगा जो आयोग जुलाई में ही जारी कर देगा जी हाँ दोस्तों लोअर टू के छात्रों को मैंने पहले बता दिया था कि भैया आपका परिणाम जुलाई में आना कन्फर्म है और बिल्कुल यही बात आज आयोग के धरने में पता चली कि भैया लोअर टू का परिणाम जुलाई के महीने में सौ प्रतिशत घोषित कर दिया जाएगा स्टेनोग्राफर के बाद यह परिणाम घोषित हो जाएगा हंड्रेड परसेंट तो लोअर टू वाले बच्चे तैयार रहे जुलाई में अपना परिणाम देखने के लिए ठीक है और अब बात करता हूं मैं आबकारी सिपाही के संबंध में दोस्तों आबकारी सिपाही के बच्चों को अभी अगस्त तक का वेट करना पड़ेगा जुलाई में उनका पीईटी परीक्षा का परिणाम जारी नहीं होगा उनको अगस्त के महीने का वेट करना पड़ेगा ठीक है अच्छा आबकारी के बच्चे भी आज धरने में पहुंचे थे लेकिन उनके लिए जो डेट बताई गई वो जुलाई में नहीं बताया गया जुलाई में उनका परिणाम घोषित नहीं होगा उनको अगस्त का वेट करना पड़ेगा अब बात करता हूं मंडी परिषद के परिणाम के संबंध में दोस्तों मंडी परिषद के परिणाम के लिए आपको अगस्त का वेट करना पड़ेगा जुलाई में यह परिणाम आपका घोषित नहीं होगा जुलाई में आयोग दो परिणाम घोषित करने वाला है स्टेनोग्राफर 2016 और लोअर 2016। ये दोनों फाइनल रिजल्ट जुलाई में घोषित हो जाएंगे और बाकी आपकारी सिपाही और मंडी परिषद ये दोनों परिणामों के लिए आपको अगस्त में इंतजार करना पड़ेगा ये दोनों परिणाम अगस्त के महीने में घोषित होंगे ठीक है तो भैया ये खबर है यूपी ट्रिपलिसी के परिणामों के संबंध में पैट के संबंध में और आपकी परीक्षाओं के संबंध में और किसी भर्ती के बारे में अगर कोई भी न्यूज होगी तो आपको दे दी जाएगी दोस्तों ठीक है यही न्यूज़ थी अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो मेरी वीडियो को लाइक कर सकते हैं अपने काम की ऐसी और वीडियोस पाने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और वीडियो को शेयर कर सकते हैं बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों